खरगोन शहर के होमगार्ड के समीप विनायक रेसिडेंट कॉलोनी में गत रात को चोरों ने एक सुने मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कॉलोनी में मोहित राठौड़ के मकान में किराए से रह रहे राहुल अग्रवाल, जो कि बाहर गए थे, और उनकी पत्नी ससुराल भिकनगांव गई थी। इस दौरान चोरों ने सुना मकान देख मकान में घुसे और कमरे का सामान बिखरा कर 1.5 लाख रुपए नकद सहित 3.5 लाख के सोने चांदी के आभूषण ले गए। आसपास रह रहे लोगों ने बताया कि 4 चोर थे, 2 अंदर और 2 बाहर थे। पड़ोसी की सूचना पर मकान की महिला घर पहुंची और पुलिस को सूचना दी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या हुआ था, कैसे मालूम पड़ा? ये तो आपका किसी को दरवाजे के टूटने की आवाज़ आई, तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे सब कॉलोनी वाले सदस्य इकट्ठे हुए। कॉलोनी सदस्यों के द्वारा 100 डायल को भी सूचना दी हुई। जब तक पुलिस वाले आते जब तक चोर भाग चुके थे। कितने चोर थे? मतलब 4 जन थे। 2 बाहर थे क्या? 2 बाहर थे, 2 अंदर थे। देखा कितने था? देखा तो वो कॉलोनी के सदस्यों ने ही देखा था। हमें तो फिर 4 बजे पड़ोसी ने उठाया, उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ हमारे यहाँ चोरी हुई। किसका कौन देते थे यहाँ पर? यहाँ किराएदार रहते हैं, मेरा नाम मोहित राठौर, मैं मकान मालिक हूँ इसका। किराएदार कौन? राहुल अग्रवाल। कितने लाख की चोरी बता रहे हैं? मैक्सिमम 5-5.5 लाख। क्या नाम है आपका? मोहित केशोदलाल राठौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।